पार्ट चार, कुल मिलाकर कितने। कुल का मतलब सब मिलाकर कितने हुए। जैसे एक हाथ में पांच उंगली है और दोनों हाथ में मिलाकर कितना होगा, दस। पांच और पांच कितना होता है, दस। ठीक उसी तरह इसको भी गिनकर, पत्ते को गिनकर और कितना हुआ कुल ये मालूम करना है और लिखना है। एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, पाँच। और एक दो तीन कितना है, तीन, तो कितना लिखें, तीन। पाँच और तीन बराबर कितना होगा, अब देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो कितना हुआ, आठ। यहाँ कितना लिखा गया, आठ। तो यहाँ पर कितना हुआ, दोनों को मिला देने पर कितना हो जाता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो ठीक यहाँ पर सबको एक साथ मिला दिए तो कितने हो गए, आठ। इस तरह से गिनकर नीचे वाला भी हल करके रखना है अपना अपना किताब में और इसको दिखाना है हमको। और इस तरह से इस तरह को मिला देने पर, एक साथ मिला देने को क्या कहते हैं हम लोग, जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको बना कर रखेगा।